तो कैसे हो आप सभी। और आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा टाइम पे एप्लीकेशन से यूपीआई आईडी पर पैसे कैसे भेजते हैं। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको टाइम पे एप्लीकेशन से पैसे कैसे भेजना किसी को भी किसी भी यूपीआई आईडी पर। अगर आपका फ्रेंड है या कोई भी है वो आपको यूपीआई आईडी भेज देता है और आपसे बोलता है कि इस यूपीआई आईडी पे पैसे भेज दो, लेकिन आप यूज करते हो टाइम पे एप्लीकेशन, और टाइम पे एप्लीकेशन से यूपीआई आईडी पर पैसे कैसे भेजना है इस वीडियो पर आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखो। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको टाइम पे एप्लीकेशन को कर लेना ओपन, और जैसे आप ओपन कर लोगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। उसके बाद इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको इधर पर फर्स्ट में ही एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सेंड मनी का, आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेंड मनी वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। इधर पर आप देख सकते हो, पहला सेंड मनी टू एनी यूपीआई आईडी, दूसरा सेंड मनी टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हो तो आप इधर से भेज सकते हो। किस तरह से भेजना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यूपीआई आईडी पर पैसे भेजना, तो आपको इधर पर क्लिक करना है सेंड मनी टू एनी यूपीआई आईडी, क्लिक कर दो। और जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर एक ऑप्शन आएगा सर्च ऐड एनीफेसरी बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी, इधर पर आपको देना होगा। तो इधर पर आपको जो भी यूपीआई आईडी है वो आपको दे देना है। तो मैं ऑलरेडी यूपीआई आईडी दे चुका हूँ और बेनिफिशियरी में ऐड कर चुका हूँ। तो आपको इधर पर देने के बाद आपको इधर पर क्लिक कर देना, और जैसे आप दे दोगे यूपीआई आईडी को तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसकी यूपीआई आईडी में क्या नाम लिखा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप नाम से कन्फर्म कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपल सा अमाउंट लिखना है, जितना पैसा भी आपको भेजना है, जैसे 10 रुपये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर। नीचे की तरफ आपके बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यूपीआई पिन मांगा जाएगा, तो गाइस आपको अपने यूपीआई पिन को दे देना है। और जैसे अपने यूपीआई पिन को दे दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग्स होगी, और सक्सेसफुल जो भाई पैसा है वो पहुँच जाएगा आपके सामने। इधर पर आप देख सकते हो 10 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से भी कट चुका है, और इधर पर यूपीआई आईडी पर पैसा पहुंच चुका है। तो इस तरह से आप यूपीआई आईडी पर पैसे भेज सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।